आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में और बात करूंगी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की गलती को लेकर और जो गलती उन्होंने की है ये गलती उन्हें बर्बाद भी कर सकती है, उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकती है। और जिस तरह से वो उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, अपनी खामोशी तोड़ी है, जनता के बीच गए हैं, उद्घाटन किया है, लेकिन इस बीच जो उनका रवैया, जो व्यवहार सामने आया है वो कहीं ना कहीं सिद्धू की नैया को डुबो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिस तरह से उन्होंने अमृतसर 18 दिन के बाद वो अपने कोठी से बाहर निकले और उन्होंने उद्घाटन किया गुरुद्वारे में जाकर स्ट्रीट लाइटों का, सबसे पहले वहां से शुरुआत की और उसके बाद जिस तरह से उनका वहां पर रुख सामने आया है वो कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर वो अमृतसर में जिस तरह से उनकी जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो कुल मिलाकर यही दिखा रहा है कि शायद अब नवजोत सिंह सिद्धू को मीडिया रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो मीडिया को देखते ही तुरंत बोलना शुरू कर देते थे, शेर व शायरी का एक समा बांध देते थे और आरोप प्रत्यारोप की बात हो, बहुत सी बातें हो, मतलब मीडिया भी इनको लेकर खुश रहता था तो ये भी मीडिया को लेकर खुश रहते थे। लेकिन आज ये आलम है कि सिद्धू जो हैं अब मीडिया से दूरी बनाए देखे जा रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मीडिया को स्पेस नहीं देना चाहते हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग से खफा हैं, या फिर अभी वो कुछ बोलकर लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं, या फिर नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि मीडिया से अगर रूबरू होंगे सवाल अमरिंदर सिंह पर पूछे जाएंगे, जिसका वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई वाद विवाद का हिस्सा बने। इससे अच्छा है कि मीडिया को जय श्री राम दूर से ही बोल दो। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से सिद्धू का ये रवैया मीडिया को लेकर है वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि मीडिया वाले सवाल करते रह गए लेकिन जुबान पर लिंग का ताला लिए गुरु ने अपने बढ़ते कदम को थमने नहीं दिया, यानी कि उन्होंने अपने कदम बढ़ाते रहे लेकिन अभी जुबान का ताला नहीं खुला कि भाई मैं मीडिया के सवालों का जवाब दे दूं। और ये नज़ारा उस वक्त का है जब नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी दिनों के बाद अपने घर से निकले और वेरका में LED स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो एक सवाल का जवाब कई एंगल से देते हुए नज़र आते थे और एक से बढ़कर एक शेर व शायरी के गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन इन दिनों जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं अब खामोशी साधे बैठे हुए हैं। अब इसके पीछे की वजह सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो मीडिया को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, या तो अभी अपने मंसूबे साफ नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कभी कभी मीडिया भी इस तरह की रिपोर्टिंग कर देता है जिससे नेताओं की छवि पर बात आ जाती है। और कुल मिलाकर जिस तरह से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का विवाद हुआ है उसके बाद से शायद सिद्धू नहीं चाहते कि मीडिया में अभी वो कोई ऐसी बाइट दें, कोई ऐसा बयान दें जिस पर हलचल मच जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि सिद्धू भले कोठी में बैठते तो TV नहीं देखते होंगे, अखबार नहीं पढ़ते होंगे, हर चीज़ की अपडेट, हर चीज़ की जानकारी, सूचनाएँ उनके पास रहती होंगी, लेकिन वो मीडिया से इसीलिए, मीडिया के सवालों का जवाब देने से इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल वो विवादों से दूर रहें, क्योंकि वो पहले से विवादों में फंसे हुए हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर फिलहाल जिस तरह से मीडिया को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए हैं, आने वाले वक्त में मीडिया की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती है और जब उन्हें मीडिया की ज़रूरत होगी तो शायद मीडिया भी उनको उतने तरीके से उनको वो तवज्जो नहीं देगा जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो मिला करती थी, क्योंकि अगर वो मीडिया को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो मीडिया भी उन्हें तवज्जो नहीं देगा और शायद उनका ये फैसला क्या होगा, फिर शायद उनकी कोई बात नहीं सुनेगा और शायद ऐसा ही उनका राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं जो है ग्रहण भी लग सकता है, क्योंकि कोई नेता भले ही कितना भी जाना माना हो लेकिन जब तक मीडिया उसको नहीं सुनेगी, मीडिया उसकी बातों को नहीं लेकर आएगी तो वो बातें सामने नहीं आ सकती हैं। अगर मीडिया को नेता की ज़रूरत है तो नेता को मीडिया की भी ज़रूरत है। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का रुख सामने आया है, जाहिर सी बात है कि उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना चाहिए था। कोई डर है, कोई मलाल है, या फिर अभी कोई रणनीति है जिसके तहत वो मीडिया के सवालों का नहीं जवाब दे रहे हैं, लेकिन हाँ कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मीडिया को इस बात, मीडिया जो है इस बात को लेकर हालांकि कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ हो सकता है आने वाले वक्त में जब सवाल पूछा जाएगा तो शायद एक सवाल मीडिया नवजोत सिंह सिद्धू से ये भी पूछ सकता है कि आखिर आपने मीडिया से दूरी क्यों बनाए रखी, आखिर क्या ऐसी वजह रही, तो शायद इस सवाल का जवाब जब सिद्धू दे तो शायद वो जो गलतफहमी की जो बातें हैं, गलतफहमी जो है वो शायद दूर हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो है नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया से दूरी बनाए देखे जा रहे हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि फिलहाल वो मीडिया से दूर रहेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये फैसला उन्हें भारी भी पड़ सकता है कि मीडिया, क्योंकि मीडिया की उन्हें ज़रूरत आज नहीं है लेकिन उन्हें कल ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें अपने प्रचार प्रसार में काम करना है और कुल मिलाकर अगर उन्हें जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना है, अपनी बातों को कन्वे करना है आला कमान तक, तो कहीं ना कहीं मीडिया को उन्हें ज़रिया बनाना ही पड़ेगा। और कुल मिलाकर शायद
अभी नवजोत सिंह सिद्धू इसको माकूल वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें वक्त अपने अनुसार मुनासिब नहीं लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल मीडिया को किसी भी सवाल का जवाब दें। लेकिन फ़िलहाल कम से कम एक तो नज़ारा सामने आया कि 18 दिन के बाद वो अपनी कोठी से बाहर निकले और स्ट्रीट लाइटों को लेकर उद्घाटन करते हुए नज़र आए उन्होंने, और LED स्ट्रीट लाइट का जिस तरह से उद्घाटन किया उससे साफ साबित हो रहा है कि धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जो विवाद हुआ है पंजाब कैबिनेट से छुट्टी हुई है, शायद अभी वो दर्द जो है वो भरा नहीं है, उनका घाव जो है वो अभी भरा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वो बरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद जब वो घाव ठीक हो जाए तो मीडिया को बाइट देने के लिए भी तैयार हो जाए।